एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ केएफसी स्टाइल चिकन फ्राइड, जो काफ़ी क्रिस्पी होने वाला है। सो चलिए, इसको बनाना काफ़ी इजी है, आगे इसे बनाते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम चिकन के पीसेस लेंगे, उसमें 2 चम्मच दही डाल के उसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने दे देंगे। मैरिनेट 2 घंटा होने के बाद इसमें 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच यहाँ अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम। अब इसे मिला लेंगे और इसे मिलाकर वापस से फिर हम इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारे फ्लेवर एक साथ इसके अंदर आ जाए। इस चिकन को हमने मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिला लिया है, अब इसे हम 1 से 2 घंटा के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे ढक कर। आप देख सकते हो हमारा चिकन 2 घंटे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसकी दूसरी कोटिंग की तैयारी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक कटोरा लेंगे, उसमें 2 अंडे डालेंगे, ये दोनों अंडे इसमें डालना है। 2 अंडे लेंगे, अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच और ये दूसरा चम्मच मैदा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर पाउडर और अब एंड में एकदम लाइट सॉल्ट, क्योंकि हमने चिकन जब मैरिनेट होने दिया था तभी सॉल्ट का यूज़ किया था। अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये मैंने इसे फेंट कर रेडी कर लिया। अब हम इसके तीसरे बैटर की तरफ चलेंगे। अब इसके लिए मैंने यहाँ 1 कटोरा मैदा ले लिया है। अब इसी में 1 कटोरा छोटा कटोरा में इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर डाला। अब इसमें वापस से डालेंगे 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर। नाउ ऐड सम चिली पाउडर, इसमें डालेंगे हम बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट, बिल्कुल हल्का लाइट। अब इसको हम मिलाएंगे। इसे हमने मिला लिया है, इसमें अब हल्का सा पानी स्प्रिंग करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, ताकि इसमें बबल्स आ जाए। ये मैंने स्प्रिंग कर लिया। अब इसे और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए क्रिस्पी टंग ट्विस्ट, इसे थोड़ा और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लैक्स हमने इसमें डाला। अब इसी को हम डालते हैं। यहीं पे लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच ऑरिगेनो। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ऐसे आप चाहे तो कॉर्नफ्लैक्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि पानी के जो आप पानी को स्प्रिंकल करोगे थोड़ा सा ना, उसी से ये काफ़ी बबली हो जाएगा और जब चिकन के साथ मिलेगा तो काफ़ी क्रिस्पी भी बनेगा। ये आप देख सकते हो, इसे बिल्कुल ऐसे बनाना है। अब आइए, अब हम चलते हैं अगले राउंड की तरफ। अब इसमें से हम एक पीस चिकन का लेंगे। देखिए आप, हमारा चिकन काफ़ी अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब हम एक पीस चिकन का लेंगे, उसको अब हम इस डस्ट पे डालेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर हम ये जो अंडे का घोल तैयार किया है मैंने, उसमें इसको डिप करेंगे।
उसके बाद इसे इस तरीके से निकालेंगे, फिर इसे वापस से मैदे में डालेंगे, इसे इस तरीके से दबाएंगे, थोड़ा सा मैदा लेके इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से दबाएंगे और बाकी का एक्सेस इस तरह से झाड़ लेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन कोडिंग हो गया इसमें। अब इसे यहाँ रखते हैं। अब फिर से हम दूसरा पीस लेते हैं, सॉरी इसको इसमें डस्टिंग करते हैं। अच्छी तरीके से फिर से इस अंडे के खोल में डालते हैं। इसको एक्सेस को निकाल लेना है एंड वंस अगेन इसे डस्टिंग कर लेते हैं। सेम प्रोसेस वापस से मैंने इसे ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा मैदा लेके जोर से प्रेस कर लेना है। ये आप देख सकते हो सेकेंड वन भी काफ़ी अच्छे से कोडिंग हो गया। अब इसी तरीके से हम सारे चिकन पीसेस को कोडेट कर लेंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ मैंने सारे चिकन पीसेस को कोडिंग कर लिया है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। इसे फ्राई करने के लिए इसे हाई टू लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। सो मैंने यहाँ पे वाइट ऑयल को हीट होने के लिए डाल दिया है। तो मैंने यहाँ चेक किया, ये बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन पीसेस जो हमने रेडी किए थे उसे डालेंगे। जब हम चिकन पीसेस डालेंगे तो याद रखिएगा आप सब कि उस टाइम में हमें गैस का फ्लेम कम कर देना है। ऐसे मेनली हमें 4 से 5 मिनट तक या 5 से 7 मिनट तक पकाना है। तो अब मैंने इसे लो फ्लेम में डाल दिया है। अब इसे हम 7 मिनट तक के लिए पकाएंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम में ही पकाओगे तो ये इसका कलर जो है ना वो कलर अच्छा नहीं आएगा और चिकन पकेगा भी नहीं। इसीलिए इसका कलर के लिए हमें इसे लो फ्लेम में पकाना है। और लो फ्लेम में ये काफ़ी बेहतर क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल पका हुआ और काफ़ी अच्छा कलर भी आएगा। तो आप इसे एक बार यहाँ पलट दें। जब 4 से 5 मिनट हो जाए उसके बाद आप चाहे तो इसमें अच्छे कलर के लिए इसे इसके फ्लेम को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जब यहाँ तेल में से सारा बबल्स ख़त्म हो जाएगा तब समझ लेना है कि चिकन हमारा अंदर से बिल्कुल पक गया है और ये तैयार है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक एक करके निकालें, इसमें कलर भी आ गया है। उसे मैंने निकाल लिया। अब इसी तरह से हम अपने सारे पीसेस को मेरा पीसेस को हमने निकाल लिया है। बाकी के पीसेस सब बन गए। ये काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। देख सकते हैं ये हमारा चिकन फ्राइड बनकर रेडी हो गया। ये काफ़ी क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी है। इसे मैं सर्व करके दिखाती हूँ। अब आप इसमें एक इंस्टेंट मसाला छिड़क दें ताकि इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। ये अब कंप्लीटली रेडी हो गया है। आप कोई सा भी इंस्टेंट मसाला यूज़ कर सकते हैं। सो एवरीवन, आप देख सकते हो कि ये हमारा चिकन फ्राइड बिल्कुल क्रिस्पी रेडी हो चुका है। अब आप इसे अपने घर में बनाएं बिल्कुल इसी तरीके से और खाएं। और मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को
आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ केएफसी स्टाइल चिकन फ्राइड, जो काफ़ी क्रिस्पी होने वाला है। सो चलिए, इसको बनाना काफ़ी इजी है, आगे इसे बनाते हैं। लेट्स गो।